और ये दो महले की ट्रेन है। ट्रेन तो भाई ट्रेन है, फ्लाइट से भी ज्यादा खूबसूरत है ये। मुझे कुछ पीसेस भी दिखे, पता नहीं वो क्या थे, मे बी वो पोक थे। नमस्ते दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। और मैं अभी निकलने वाली थी, अभी कुछ बज रहे होंगे, 10 बज रहे हैं। मुझे और पहले निकलना चाहिए था, लेकिन हमेशा की तरह मेरी नींद नहीं खुली। तो मुझे निकलना था और अभी मैंने नोटिस किया कि ये देखो आप, झमाझम बारिश हो रही है। मुझे अभी यहाँ से सिटी सेंटर जाना है, वहाँ से मुझे बस लेनी है। बस कुछ 1.5 घंटे की जर्नी है, 100 किलोमीटर है। बारिश में पता नहीं, इसलिए मैंने आज शूज़ भी नहीं पहने, स्लीपर पहन लिए, क्योंकि मेरे पास वो बारिश वाले शूज़ नहीं है। और ये देखो आप, क्या मस्त सा नज़ारा है। तो चलो और देर ना करते हुए जल्दी से चलते हैं। एक तो मैंने गोप्रो की भी बैटरी रात को लगाई, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ तो चार्ज ही नहीं हुआ है, शायद ठीक से चार्जर लगा नहीं। ये मेरे होटल के ओनर हैं और मैंने इनसे पूछा मुझे नोवी साथ जाना है, मैं कैसे जाऊँ। इन्होंने बोला रुको मैं तुम्हें बस या ट्रेन तक ड्रॉप कर देता हूँ। तो मैं अभी इनके साथ गाड़ी में बैठ के जाऊँगी। उन्होंने बोला बस से अच्छा ट्रेन ले लो, ट्रेन तुम्हें जल्दी पहुंचा देगी और 40 मिनट में पहुंचा देगी। और बस कुछ 1.5 घंटे ले रही थी, मैंने सोचा अच्छा है मैं ट्रेन भी एक्सपीरियंस कर पाऊंगी। तो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं और इतनी सारी ट्रेनें लगी हुई हैं, एकदम ही खाली है। आप देखो कोई है ही नहीं। अब मैं फिर यहाँ पे कंपेयर करूँगी अपने इंडिया में, बाबा कितना क्राउडेड होता है। और यहाँ पे देखो आप, ट्रेन लगी है लेकिन लोग नहीं है। अभी मैं जल्दी से टिकट जाके देखती हूँ कहाँ से मिलना है। तो ये देखो आप, ट्रेन लगी हुई है और ये दो माले की ट्रेन है। मैं ऊपर बैठूंगी, अगर उनका उन्होंने मुझे सीट अगर ये करके ना दिया हो, अगर आप कहीं पे भी बैठ सकते हो। तो कुछ 270 रुपये की टिकट आई है इंडियन मनी में, और लोकल में 400 दिनार। इसमें वाईफाई भी है और जो भी चीज़ें होंगी वो अंदर जाके आपको बताऊंगी। तो ये देखो आप, कुछ ऐसा एंट्रेंस है और इधर से ऊपर जाना होता है। मेरी सीट नीचे की थी बट मुझे ऊपर बैठना था, मैं ट्रेन में कभी ऊपर नहीं बैठी हूँ, तो आज फर्स्ट टाइम मैं ऊपर बैठ के एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। एकदम ही क्लीन ट्रेन है, कहीं पे कुछ भी गंदगी नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ ऐसी बड़ी सी सीट है और फिर इधर जाके ऐसी सारी सीट्स हैं। चलते हो कहीं पे भी बैठ जाऊंगी। सीट ऊपर की ही थी और मुझे लगा शायद नीचे की है, क्योंकि किसी ने मुझे नीचे का बता दिया। ट्रेन का टाइमिंग कुछ 11 बजे का है, देखते हैं कितने टाइम पे खुलती है यहाँ की ट्रेन। और ये देखो आप, ये यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट भी है, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरा गोप्रो मैंने चार्ज नहीं किया। ट्रेन तो भाई ट्रेन है, फ्लाइट से भी ज़्यादा खूबसूरत है ये। कुछ 11:30 बज रहे हैं और 11 बजे को ट्रेन निकली थी, एग्जैक्ट टाइमिंग पे पहुंचा दिया है ट्रेन। बहुत ही सुपर स्मूथ थी ये, अगर 6-7 घंटे की भी होती ना, मैं चाह रही थी ट्रेन थोड़ी और लंबी हो जाए। इतनी कंफर्टेबल सीट्स और इतना क्लीन, बहुत ही सीधा मस्त ट्रेन थी। इस ट्रेन में बैठने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक और भी, मेरी 1-2 दिन की जर्नी है, मैं किसी और भी 1-2 सिटी को जाना चाहती हूँ, तो मैं ट्रेन से ही जाऊँगी, अब मैं बस से जाऊँगी ही नहीं। मैंने गूगल पे भी देखा था 2-3 दिनों में यहाँ पे बहुत ठंड होने वाली है, तो शायद इसलिए बारिश हो के ठंड आएगी। अच्छा है, जाते जाते मैं ठंड भी इंजॉय कर लूँगी। पीछे स्टेशन का एंट्रेंस है और ये कुछ मैं आपको सिटी दिखा रही हूँ।
अच्छा शहर है, मुझे नहीं लग रहा है इतना छोटा शहर है। मे बी यहाँ की पॉपुलेशन कम है, बट शहर तो रोज देखो आप कितने ब्रॉड है। अभी मैंने किसी से पूछा कि यहाँ से सिटी सेंटर के लिए कौन से नंबर की बस जाएगी, बट किसी को पता नहीं है। जाके खुद ही बस के पास ही पूछ लेती हूँ, वहाँ पे पता चलेगा। नंबर का बस लेके मैं वहाँ पे उतर गई थी, सिटी सेंटर में उतारा था उसने, लेकिन वहाँ से मुझे वो व्यू नहीं मिल रहा था जो मुझे चाहिए था। तो मैंने अपने गूगल मैप पे डाला सिटी सेंटर, और वहाँ से कुछ 1 किलोमीटर था। तो अभी यहाँ से 6 किलोमीटर है, मैं 400 किलोमीटर चल चल के आई हूँ, और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है। वहाँ पे आप देखो, वहाँ पे एक चर्च है, बहुत ही प्यारा चर्च है, मैं उस चर्च में ज़रूर जाऊँगी अभी। लेकिन मुझे जाना इस साइड है, 600 किलोमीटर इस साइड में मुझे जाना है, लेकिन मुझे वो चर्च देख के रहा नहीं जा रहा। तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं चर्च जाऊँ और फिर मैं उस साइड में जाती हूँ। आ गई हूँ बाहर, ये यहाँ का कुछ लोकल मार्केट है, मैंने सोचा एक्सप्लोर कर ही लेते हैं। रेट्स तो ऑलमोस्ट इंडिया जैसे ही है, सेम है, बेलग्रेड जैसा ही है। मैं यहाँ पे, मुझे अभी बहुत ठंड लग रही है, अचानक से ही वेदर चेंज हो गया है। मैं सोच रही हूँ अगर कुछ कपड़ों का दुकान मिले तो मैं कुछ खरीद लूँ, उड़ी उड़ी। मैंने अपना वहीं छोड़ दिया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैंने कैरी नहीं किया, जबकि आज बारिश हो रही थी, मुझे करना चाहिए था कैरी। अभी मैंने यहाँ पे ये स्लीपर देखा, मुझे अच्छी लगी, 200 दिनार है, चीप एंड बेस्ट, और कुछ डिफरेंट भी है। ये शूज़ का लुक दे रहा है आगे से तो, और पीछे से स्लीपर है। मुझे शूज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आई लाइक स्लीपर। देखती हूँ अगर मेरे साइज़ का मिला तो, यहाँ पे साइज़ बहुत बड़ी बड़ी हैं क्योंकि इनके साइज़ अपने साइज़ से अलग हैं। आई एम गेटिंग कन्फ्यूज बिकॉज आई लाइक दिस कलर एंड बट दिस इज मोर कम्फर्टेबल। Oh, it's 2,000. I thought 200 dinar. पोपट हो गया। मैंने सोचा था 200 दिनार का है, मैंने सोचा छोड़ने वाली चीज नहीं है। 2,200 दिनार था। तो हो रहा है कि कुछ कुछ ले लूं, बट लगेज मेरा ऑलरेडी एक्सेस है, रखने के लिए जगह भी नहीं है, तो कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। ये चल चल के मुझे गूगल मैप ने पता नहीं कहाँ पहुँचा दिया, मैंने सिटी सेंटर डाला था, बट एनीवेज पता नहीं किस एंगल से ये शहर स्मॉल टाउन लग रहा है। मुझे तो ये कहीं से स्मॉल टाउन नहीं लग रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक लोकल बंदे से अभी पूछा, उसने मुझे बोला सर्बिया का ये सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, मतलब बेलग्रेड के बाद ये है, और नोवी साद हंगरी और बेलग्रेड के बीच में आता है, हंगरी। तो ये कुछ चीज़ें मुझे दिखीं, तो मैंने सोचा इनसे पूछ लूँ कि मीट है या नहीं। मेरे साथ में भी एक कोई खड़े हैं, वो भी मीट नहीं खाते हैं, तो उन्होंने ऑर्डर किया, तो मैंने सोचा मैं भी यही ऑर्डर कर लूँ। ये कुछ दलिया जैसा तो दिख रहा है, इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि जो भी वेज में आपके पास है वो सारी चीज़ें, नॉट पोटैटोज नो। वहाँ पे कुछ वो ऑमलेट भी उसमें डाल रहे हैं, नॉट दिस मटर, या मैंने सोचा उस लड़के ने जो लिया है मैं भी वही ले रही हूँ, और उस लड़के का था कुछ 290 दिनार का, मेरा आया है 530 दिनार का। उन्होंने बोला उस लड़के ने सिर्फ ऑमलेट लिया था और मेरा इतना एक्सपेंसिव हो गया। मुझसे खाना खाया नहीं गया, मैंने खाना छोड़ दिया क्योंकि मुझे खाते खाते खाने में से बहुत स्मेल आ रही थी,
और मुझे वो स्मेल है, मुझे कुछ पीसेस भी दिखे, पता नहीं वो क्या थे, मे बी वो पोक थे, और चिकन की स्मेल तो नहीं थी वो, और पता नहीं शायद से मशरूम्स थे, जो भी थे, बट मेरा मन बहुत ख़राब हो गया तो मैंने वो छोड़ दिया। इस सिटी में मैंने एक चीज़ नोटिस की है, यहाँ पे लोगों को इंग्लिश बहुत कम आ रही है, बहुत कम। मैं कहीं पे भी किसी से कुछ भी पूछ रही हूँ, कोई मुझे रिप्लाई नहीं कर पा रहा है। अभी भी जब मैं खाना ले रही थी तभी भी, और ये जो सारी प्रॉब्लम भी हुई ये कहीं ना कहीं इंग्लिश की वजह से ही हुई। पैसे भी बर्बाद हो गए, खाना भी नहीं खा सकी। एक्चुअली मैं मुझे यहीं आना था और मुझे गूगल मैप ने गलत गलत भेज दिया और मेरे चूना भी लग गया मुझे 530 दिनार का, और पता नहीं क्या उल्टा सीधा दे दिया। लकीली मैंने वो टेस्ट नहीं किया था। एनीवेज, अब आप यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन देखो, इन बिल्डिंग्स के आप कलर देखो। इतनी कलरफुल सिटी है ये, और ये चर्च, ओह माय गॉड, इस पे तो दिल आ गया है मेरा। यहाँ पे अभी मैं एक पिक्चर निकालूंगी, उधर भी कुछ है बहुत खूबसूरत सा, जाके देखते हैं। कुछ वैसे कुछ खास नहीं है, बना रखा है बहुत खास है, तो कॉफ़ी शॉप्स है, लेकिन उसे डिज़ाइन बहुत अच्छे से किया है। लेकिन पहले मैं इस चर्च के अंदर जाऊंगी, कुछ पिक्चर्स निकालूंगी, और उसके बाद उधर जाते हैं। चर्च तो बंद है, इतना खूबसूरत लगा मुझे कि मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं अंदर चली आई। शायद चर्च का कुछ टाइमिंग होता है, मुझे तो आइडिया नहीं है, बट अंदर से भी बहुत प्यारा है। पता नहीं, जब भी आप ऐसे मंदिर और चर्च ऐसी जगहों पे जाओ, एक अलग सी शांति होती है, एक अच्छा सा महसूस होता है।